बरपुना में अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस YouTube चैनल दया मैथ्स एनालिस में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो कि क्लास 8 एंड 9 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो कि ट्रेपिजम के बेस पे है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि द एरिया ऑफ ट्रेपिजम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड इज 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैलेस साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। तो अब इस पूरे का अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो एरिया दे दिया गया है, हाइट भी 9 सेंटीमीटर दे दी गई है, और यहाँ पे जो दिया गया कि इफ़ वन ऑफ द पैलेस साइड, यानी ट्रेपिजे में एक अपोजिट पेयर पैलेस साइड होता है, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक साइड दूसरे पैलेस साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में जो है आपको जो है पैलेस साइड का लेंथ पता करना है। तो पहले आप डायग्राम बना लें, आप इस तरीके से मान लीजिए कि ये पी क्यू आर एस जो है एक ट्रेपिजियम है। यहाँ पे देखो एरिया दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट का मतलब ये हुआ कि जो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा इसके बारे में बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ पे एस टी मान लीजिए, जो कि 9 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ कह रहा है कि एक साइड दूसरे साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो साइड का लेंथ नहीं पता है, तो इसको आप छोटी साइड सपोज करके आप इसको x मान लीजिए, तो जो बड़ी जो साइड होगी, जो दूसरी पी क्यू जो पैरेलल साइड जो है, इस वाले से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी x में आपको 6 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ाना होगा इस तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि पहले फॉर्मा लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैलेस साइड्स इंटू एच के। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का रिजल्ट ऑलरेडी ये ऑलरेडी दिया गया है, इसको लिख लीजिए, 1/2 डाल दीजिए सम ऑफ पैलेस साइड। तो यहाँ पे x और x प्लस 6 दोनों डाल दीजिएगा, क्योंकि एक साइड का लेंथ आप जो x माने हैं, दूसरे का x प्लस 6 माने हैं, तो यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ेंगे और h की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दे दी गई, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आप जो है 9 सेंटीमीटर को राइट साइड से हटा करके इधर लाएंगे तो ये जो है डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 180 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2, और इनको जोड़ोगे अंदर में तो x x का रिजल्ट 2x और ये प्लस 6 इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर है, तो एक सेंटीमीटर को ऐसे कट कर दें आप, हटा दें, 180 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और सेंटीमीटर लिख दीजिए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x प्लस 6। तो जब इस 2 को यहाँ से हटाओगे तो ये जो इधर आ करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 जो होगा सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो गया 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गया 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ अनलाइक टर्म्स हैं, इनको आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो 6 सेंटीमीटर को इधर लाएंगे आप तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2x। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट जो होगा वो 34 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। इनके बीच में जो मैथमेटिकल जो साइन है वो इनटू का है, तो जब आप हटाएंगे तो ये 2 जो इधर आके डिवाइडेशन में ही आएगा, तो उसको आप ऐसे ले सकते हैं 34 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ऊपर जो है एस आर जो है, एस आर को आपने एज एक्स माना था, तो इसकी जो वैल्यू जो होगी वो 17 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो आपने पी क्यू का
आपने x प्लस सिक्स लिया था तो x की वैल्यू 17 डालोगे तो 17 प्लस सिक्स का रिजल्ट जो होगा वो 23 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक देके जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते समय नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें और ऊपर आई बटन और वीडियोस के एंड स्क्रीन में जो वीडियोस लगी हैं आपके लिए उसे आप जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।